तुम तो जान ही रही हो, देखो ये बेसन है, बेसन जो दाल के भोज्य पदार्थ समूह से आता है और चना को इसको पीस करके बनाया जाता है। और ये देखो ये क्या है, ये बताओ, ये तो गेहूं का आटा है ना, आटा जो है वो अनाज समूह से आता है और अनाज का आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए होता है। और इसे तो तुम जान ही रही हो, ये क्या है बताओ, शक्कर है दीदी। हाँ, ये शक्कर जो है ना, इस शक्कर का इस्तेमाल जो है हम गुड़ को जो इस्तेमाल है लड्डू बनाने के लिए, उसको बांधने के लिए करते हैं। और ये देखो ये तेल है, हम इसकी जगह घी भी ले सकते हैं या कोई भी रिफाइंड तेल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है ये मूंगफली है, ये देखो ये मेथी दाल है, इसको हम लोग तीसी कहते हैं। और भी दीदी लोग को बुला लेते हैं, फिर मिल करके हम लोग इसको बना लेंगे। मैंने रख लिया था, बस अब आप लोग को भी रीना दीदी से सीख लेना ये लड्डू, और अपने घर की गर्भवती दीदी और धात्री दीदी को प्रोत्साहित करना ऐसे लड्डू खाने के लिए, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ। देखिए दीदी, अब ये बोरी तैयार हो गया, पानी उनी दे करके तैयार कर दिए हैं। हम चार प्रकार के बीज लगा रहे हैं, हम इसको 45 डिग्री का कोण बना देते हैं, एक तरह से समझिए कि ताकि ये जो है बीज इसमें जब लगेगा तो वो इस तरह से करके वो बीज लत्तेदार बीज को हम इसमें लगा सकते हैं। तो हम इसमें जो है हल्के से इसमें बीज को हम रख देंगे और फिर इस पर जो है मिट्टी जो है हल्की सी ऊपर से इसमें डालेंगे। इसमें अब हम कोहरा लगाएंगे, उसमें तो कद्दू लगाए दिए दीदी, अब इसमें हम कोहरा लगाएंगे। एक बार और है दीदी कि जब ये पौधा निकलना शुरू हो जाएगा तो हम इसको रस्सी के द्वारा, चारों तरफ से रस्सी के द्वारा अलान पर चढ़ाने के लिए हम इसको बना देंगे रस्सी द्वारा। अब हम इसमें जो है इस साग के बीज को इसके ऊपर हम बोएंगे। पहले ये जान लीजिए, एक किचन गार्डन जो हम लगाए हैं वो प्राकृतिक एवं जैविक विधि से लगाए। देखिए दीदी, इसमें भिंडी है, करेला है, नेनुआ है, कद्दू है, कदीमा है, बरबट्टी है, बैगन है, और सब्जी के साथ साथ फल भी लगाए हैं हम। केला है, अमरूद है, अनार है, नींबू है, और ये जो किचन गार्डन में जो फल और सब्जी उगाते हैं वो बगल में CNCC चल रहा है, हम लोग वहाँ वहीं ये सब्जी तोड़ के और देते हैं, वहाँ गर्भवती और धात्री का खाना बनता है। ये जो सब्जी है उसमें जो है ये रासायनिक खाद के बदले में हम लोग जीवामृत, घनजीवामृत और स्प्रे करते हैं ब्रह्मास्त्र और निमास्त्र। हाँ दीदी, इसमें विटामिन सी पाया जाता है और जितने भी फल हैं उसके 4 गुना अधिक इसमें विटामिन पाया जाता है। दीदी, ये ओल का पौधा है, इसका सब्जी बनता है, इसके मिट्टी के नीचे जो होता है सब्जी उसका बनता है और उसका चटनी भी आप बना सकते हैं, और इसका जो है इसको खाने से पाचन क्रिया बहुत अच्छा। दीदी, ये पत्ता जो है इसमें विटामिन और आयरन होती है, इसलिए जो गर्भवती और धात्री महिला जो है उनको खाना अति आवश्यक है। ये पत्ता है जो दीदी आप समझ लीजिए, ये आटा में भी गूंद के रोटी बना सकती हैं और दाल में डाल के, जैसे दलसग्गा बनाते हैं गांव में, दलभाजी उसमें भी डालते हैं, और इसके साग के रूप में भी बना के रोटी के साथ खाते हैं। हाँ दीदी, यहाँ जो है मुझे पैसा भी नगद मिल जाता है, और मेरा जो किचन गार्डन में साग सब्जी है पोषाहार केंद्र में देते हुए जो बचत होती है उसको हम बाजार में भी बेच देते हैं। दीदी, इनके 3 फायदे हैं, एक तो हरी और ताज़ी सब्जी मिल जाती है रोज़, और दूसरी है गर्भवती और धात्री को रासायनिक खाद, जो बाज़ार की सब्जी में रासायनिक खाद होती है, यहाँ की सब्जी में साग में खाद नहीं डाला जाता है, प्राकृतिक रूप से उपजाया जाता है। दीदी, जो गर्भवती महिला खाना खाती है उसके गर्भ में जो बच्चा है उनका स्वास्थ्य बेहतर है।